Hello students, here this is Deepthi. I am here to inform you all that this video is specially for commerce students because this some changes has been done in your syllabus. Here the CBSC rationalized the syllabus for class 9 to 12 for the academic year 2021 by up to 30% you can say to make up for the academic loss caused due to COVID-19. आप reason बहुत अच्छे से जानते हो जो COVID-19 का ये situation हम लोग सारे लोग फेस कर रहे हैं उसमें क्या है सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स को चैप्टर में से रिड्यूस कर दिया यू कैन से डिडक्ट कर दिया है ओके तो उसी के इन्फॉर्मेशन के लिए आई हैव जस्ट मेड दिस वीडियो फॉर यू ऑल इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर द कमिंग सेशन सो हियर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू न्यू रिवाइज्ड सिलेबस यू कैन सी दिस वन दिस इज अ न्यू रिवाइज्ड सिलेबस फॉर द बिजनेस स्टडीज ओके of class 11 business studies and economics and I'm just teaching you a business and economics but I will show you the some information related to the accountancy also kyunki jo accountancy ke bachche honge wo bhi chapters ko dekh sakte hain ki usme se kaun kaun se topics jo hain wo deduct kar diye gaye hain to please aap is video ko acche se dekhen end tak dekhen kyunki main sari information aapko is video mein dene wali hu okay इन विच सम टॉपिक्स हैव बीन रिमूव फ्रॉम द चैप्टर्स मीन्स आप समझ जाओ कि आपके चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक जो हैं वो रिमूव हैं और कहीं कहीं ऐसे केसेस हैं जिसमें से कि आपको चैप्टर्स ही रिमूव देखने को मिलेंगे चैप्टर ही नहीं दिए होंगे ओके वो मैं आपको इस चीज़ में क्लियर करती हूँ आप फर्स्ट यहाँ देख सकते हो इट इज गिवन इन बिजनेस स्टडीज क्लास 11 पार्ट ए ओके फाउंडेशन ऑफ बिजनेस फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में आपके पार्ट ए में फर्स्ट आता है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इवोल्यूशन फंडामेंटल ऑफ बिजनेस आप कंफ्यूज मत होना फर्स्ट चैप्टर के बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम हम लोग को सुनने को मिलते हैं जैसे नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस तो बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स इवोल्यूशन फंडामेंटल ऑफ बिजनेस तो इवोल्यूशन फंडामेंटल ऑफ बिजनेस में वही सारी चीज़ें जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ेंगे अबाउट दैट थिंग्स देन आफ्टर दिस बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे बट यहाँ पर इसका नेम यही गिवन है तो थोड़ा भी कन्फ्यूज मत होना सेम चैप्टर है देर इज नो एनी चेंज इन द फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर का भी आपका एज इट इज रहेगा बट सेकेंड चैप्टर में आपको एक चीज़ देखना है कि सेकेंड चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इन लोगों ने डिटेक्ट कर रखा है और वो टॉपिक ये है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि मोस्ट एडवांटेजियस कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो लीस्ट एडवांटेजियस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है तो वो जो टॉपिक हम लोग उस चीज़ को पढ़ रहे थे टू फाइंड आउट विच वन इज़ बेटर कंपनीज सुपर प्रोप्राइटरशिप या कौन सा बहुत मोस्ट एडवांटेजेस होगा हमारे लिए हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है तो जो टॉपिक आपका गिवन है उसमें चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको भी दिखाऊंगी इसके बाद कि कौन कौन से चैप्टर डिडक्ट हैं उसके नेम भी आपको रिटन में देखने को मिलेंगे तो आप उस चीज़ को ध्यान से देखना तो उसमें से टॉपिक रिमूव कर दिया गया उस टॉपिक को ही हटा दिया गया नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस अब पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस में आपको एक चीज़ ये देखनी है कि इसमें से पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस में से इन लोगों ने ग्लोबल एंटरप्राइजेस को रिमूव कर दिया है ग्लोबल एंटरप्राइजेस हम लोग के थर्ड चैप्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा ना ही आपको इसको पढ़ना है सिर्फ इस ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं 2021 जो एकेडमिक ईयर है हमारा इसकी ही हम लोग बात कर रहे हैं बाकी आपका फ्यूचर में जो और बच्चे हैं इस वीडियो को देख के मे बी इन 22 और 23 जो भी ईयर्स आने वाले हैं उसमें वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिडक्ट तो हुआ ही चैप्टर में तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होगा फिर ओके बट क्वेश्चन का कुछ आप बोल नहीं सकते हो क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं कोई गारंटी नहीं है कि ठीक है अगर चैप्टर डिडक्ट हो गया तो चलो ठीक है बट वन मार्क्स के कुछ जो बेसिक चीज़ें वो तो पूछी ही जाएंगी कि बता दो पब्लिक प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइज में क्या डिफरेंस है नॉर्मल सी चीज़ बट इसके लिए भी लोगों ने क्या किया है जैसे आपका जॉइंट वेंचर इसमें है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे ना पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप कंसेप्ट वो भी रिमूव हो गया है ओके प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि उसमें मैंने डायरेक्टेड टॉपिक्स भी मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद ओके फोर्थ है आपका बिजनेस सर्विसेज में आपके जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं वो है पोस्टल सर्विस में जो चीज़ें आती हैं मेल रजिस्टर्ड पार्सल स्पीड पोस्ट करियर आप बोल सकते हो कि सारी चीज़ें जो पार्सल स्पीड पोस्ट करियर जो भी हैं
उसकी मीनिंग क्या है वो सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं, और इसका कुछ ऐसा यूज़ भी नहीं है कि आप इस चीज़ को पढ़ो। जितनी भी आप बोल सकते हो कि वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं थे, बस उसी टॉपिक्स को हटाए गए हैं, बाकी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उसको लिया गया है, जो इंपॉर्टेंट नहीं थे उसको रिमूव कर दिया गया। नाउ कम टू द फिफ्थ चैप्टर, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इट इज़ गिवन द इमर्जिंग ऑफ मोड्स ऑफ बिजनेस। इसमें से भी कुछ टॉपिक्स आपके रिमूव हैं, बट इसमें से आपका सिर्फ एक टॉपिक रिमूव है। मैं आपको बता दूं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये BPO का कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप जो है वो रिमूव है चैप्टर 5 में से। नाउ कम टू दिस वन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये आपका 6 चैप्टर है, इसमें से भी एक टॉपिक्स हटा दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। उसके कंसेप्ट, उसके एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया गया 6 वाले चैप्टर में से। ओके, कम टू द पार्ट बी, इट इज गिवन हियर फाइनेंस एंड ट्रेड। चैप्टर नंबर 7 इज गिवन सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, आपका चैप्टर नंबर 7 नहीं है। इसमें से जो टॉपिक रिमूव कराए गए वो है बोरोड फंड्स, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स ICD जिसे हम बोलते हैं वो भी रिमूव कर दिया गया। ओके, अभी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा नहीं है, बट पढ़ेंगे तो आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। बट आप पहले से टिक कर लोगे बुक में तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू ऑल। ओके, कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसमें आपका जो टॉपिक रिमूव हुआ है, आप बोल सकते हो कि चैप्टर 8 में स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स में, अगर आप, मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस तक तो चैप्टर 7 जो आपको गिवन है, पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे चैप्टर 7 की जगह चैप्टर का नाम गिवन था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, वो चैप्टर नंबर 7 था। बट चैप्टर नंबर 7 की जगह आप देख सकते हो यहाँ पे कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को रख दिया गया जो कि चैप्टर नंबर 8 पे था। सिर्फ एक चैप्टर आपके बिजनेस में से रिमूव हुआ है, वो है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। बाकी सारे चैप्टर आपके सेम है, कुछ टॉपिक्स चैप्टर में से हट गए हैं, बट यहाँ पे एक चैप्टर टोटली रिमूव किया गया है, वो है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, विच वॉज अ चैप्टर नंबर 7। बट नाउ वी कैन सी हियर इट इज गिवन चैप्टर नंबर 7 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इट इज गिवन हियर इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो यूनिट 9 में अगर हम इंटरनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनल ट्रेड में आपका जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, इटिनरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टॉपिक्स आपके रिमूव कर दिए गए हैं इसमें से। ओके, कम टू द 10, इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस और यू कैन से इंटरनेशनल ट्रेड में से आपका एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर और शिपिंग बिल्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे टॉपिक आपके इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड भी आप इस चैप्टर को बोल सकते हो, ये रिमूव कर दिए गए हैं। ओके, उसके बेसिस पे यहाँ पे मार्क्स को भी डिवाइड कर दिया गया, आप इस चीज़ को अच्छे से देख लेना, जस्ट गो थ्रू ऑल दिस। जैसा कि मैंने आपको बोला था यूनिट 1 में इवोल्यूशन फंडामेंटल ऑफ बिजनेस में आपका यही सब चीज़ गिवन रहेगा, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो यू कैन सी हियर इट इज़ गिवन हियर, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ रहेंगी, देयर इज़ नो एनी चेंज इन ऑल दिस थिंग। ओके, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन सी कुछ टॉपिक्स हैं जो हटा दिए गए, जो कि मैंने आपको बताया वो मैं आपको शो कराऊंगी इसके बाद, बट दिस इज अ रिवाइज सिलेबस, आप इस चीज को पॉज करके एक बार आप देख लेना कि क्या गिवन है। ओके, दीज आर द चैप्टर्स ऑफ द बिजनेस स्टडीज वी कैन सी हियर, जो कि आपका इस ईयर पूछे जाएंगे इसी चैप्टर में से क्वेश्चन, जो कि टॉपिक आपके गिवन है। इस टॉपिक्स के अलावा कोई भी टॉपिक्स जो आपकी रिमूव कर दी गई है उसमें से कोई भी चीज पूछी नहीं जाएंगी, बट आपको जो चीज रिमूव की गई है अगर आप उसका मतलब समझ जाओगे, मीनिंग क्या, अगर वो 1 मार्क से पूछ भी देते हैं तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ठीक है मैंने पढ़ा है, ठीक है मैंने लिख दिया आंसर। ओके, ये नहीं कि आपका सारा कुछ टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए तो आप उस चीज़ को एकदम से हटा दो कि हाँ मुझे उस चीज़ को नहीं पढ़ना है, बट प्लीज़ ट्राई टू स्टडी दैट टॉपिक ऑल्सो, बिकॉज इट मे बी 1 or 2 marks के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मीन्स बिजनेस स्टडीज़ का आपका ये रिवाइज सिलेबस था यूनिट 10 तक। अब इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि बिजनेस स्टडीज का जो टॉपिक्स डिडक्ट है चैप्टर में से वो कौन कौन से हैं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को ओरली बताया कि हाँ ठीक है ये टॉपिक रिमूव है, बट आप उस चीज़ को ध्यान से देख लो, एंड जो मैं आपको दिखा रही हूँ जो चैप्टर्स डिडक्ट हैं
उसको आप अपने बुक में टिक कर लो तो इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि आप सब चीज़ नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका पढ़ना फिर वेस्ट होगा अगर जो चीज़ नहीं आ रहा और आप वो चीज़ पढ़ के बैठे हो. ओके, तो आप प्लीज़ अपना बुक ओपन करो एंड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप उस चीज़ को टिक करो कि ठीक है ये टॉपिक डिडक्ट है इसमें. नाउ कम टू द डायरेक्शन ऑफ द टॉपिक गिवन द चैप्टर्स. नाउ हियर यू कैन सी जो पार्ट ए आपका फाउंडेशन ऑफ अ बिजनेस है, मैं 11th का बिजनेस स्टडीज आपको दिखा रही हूँ, जो आपका बिजनेस स्टडीज का ये गिवन है उसमें में से यूनिट 2 में से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं, टॉपिक्स रिलेटेड आप हेडिंग देख रहे हो यहाँ पर लिखा है, तो ये सारे जितने आप यहाँ पर टॉपिक्स देख रहे हो ये गिवन है, ये सारे टॉपिक्स रिलेटेड के नेम्स हैं जो टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं. तो यूनिट 2 में अगर हम जाएं तो इट इज गिवन है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया था रिमूव कर दिया गया. यूनिट 3 में अगर हम लोग आए तो इसमें से ग्लोबल एंटरप्राइजेज उसके फीचर्स और जॉइंट वेंचर्स पब्लिक प्राइवेट कॉन्सेप्ट क्या वो रिमूव किया गया है. बिजनेस सर्विस में से पोस्टल सर्विसेज में मेल रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल स्पीड पोस्ट कोरियर मीनिंग जो उसके होते हैं कि मेल क्या होता है रजिस्टर्ड पोस्ट किसे कहते हैं पार्सल क्या होता है स्पीड पोस्ट क्या होता है ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं. इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, मीन्स आप समझो 4 या 5 मार्क्स से क्वेश्चन इसका पूछता है कि आप बताओ कॉन्सेप्ट क्या है नीड क्या है उसके स्कोप क्या है. BPO का फुल फॉर्म भी पूछता है 1 मार्क्स में इसको, आप बोल सकते लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता था, बट अब तो ये आप लोगों के लिए इजी हो गया है क्योंकि ये टॉपिक नहीं आने वाला है. ओके, हियर इट इज गिवन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स. इट इज गिवन हियर बिजनेस एथिक्स जो कंसेप्ट है उसके एलिमेंट्स हैं थोड़ा सा ये लॉन्ग है, इसको ये रिमूव कर दिए क्योंकि हम लोग लॉन्ग पीरियड तक टॉपिक सारे कवर नहीं कर सकते, इसलिए मेरे ख्याल से ये कुछ लेंदी था अभी इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया इसमें से. कम टू द पार्ट बी फाइनेंस एंड ट्रेड आपको गिवन है यहाँ पे. फाइनेंस ट्रेड में आप यूनिट चलो देखते हैं हम टॉपिक्स डिलीटेड भी देखते हैं क्योंकि पार्ट ए पार्ट बी में बिजनेस डिवाइड है. यूनिट 7 में सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में बोरोड फंड्स का जो टॉपिक है उसके अंदर जो सारी चीज़ें आती हैं वो आपकी रिमूव कर दी गई हैं. ओके, इंटरनल ट्रेड में वी कैन सी द टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड इटरेंट स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स की टॉपिक और GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंसेप्ट क्या होता है वो भी रिमूव कर दिया गया है क्योंकि GST बहुत कॉमन सी चीज़ है, जो भी गुड्स एंड सर्विस पर जो टैक्स लगते हैं तो वो कंसेप्ट बेसिक चीज़ सभी को पता होंगी तो इसलिए वो रिमूव कर दिया गया. कोई मतलब नहीं इस चीज़ को पढ़ने का, बट भाई पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, आपको पढ़ना ही है, बट सिचुएशन को देख के सारी चीज़ें कम की गई हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर इस चीज़ को पढ़ोगे नहीं, ये ज़रूर पढ़ना है फॉर द फ्यूचर. ओके, हियर इट इज़ गिवन द इंटरनेशनल ट्रेड. एक्सपोर्ट ट्रेड आपका रिमूव है मीनिंग एंड प्रोसीजर, इम्पोर्ट ट्रेड भी रिमूव है. डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इंटरनेशनल ट्रेड आप इसको तुरंत जल्दी से जल्दी टिक कर लो कि हाँ ये टॉपिक्स हैं जो कि चैप्टर से रिमूव कर दिए गए हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से CBSE ने इस चीज़ को निकाला है कि टॉपिक्स कौन कौन से डिलीट हैं. ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ये भी टॉपिक यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं. इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर दिस कम टू द 12th. मैं आपको 12th का सिर्फ डायरेक्टली जो डिरेक्टिव टॉपिक है वो दिखा दूँ, क्लास 12th का भी मैं आपको शो करा देती हूँ यहाँ पे. प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन हियर. इसमें से आप देख सकते हो कि जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं वो यूनिट 1 और यूनिट 2 से कोई चेंजेस नहीं है उसमें, बट बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट 3rd चैप्टर है क्लास 12th में, उसमें से आपके डीमोनेटाइजेशन कॉन्सेप्ट, जो कि डीमोनेटाइजेशन हम सभी लोग जानते हैं जो सिचुएशन हुई थी. ओके, स्पेशल रेफरेंस ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इंडिया, ये आप लोग 9th 10th में भी पढ़े होंगे, स्पेशली फॉर द वी कैन कॉल इट LPG लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे इसलिए मे भी इसमें से रिमूव कर दिया गया है. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए गए हैं. प्लानिंग में से आप बोल सकते हो सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी पॉलिसी प्रोसीजर मेथड रूल बजट एंड प्रोग्राम रिमूव हुआ है. ऑर्गेनाइजिंग में टॉपिक्स जो डिलीटेड हुए हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और उसके कंसेप्ट क्या होते हैं वो डिलीट किया गया है. स्टाफिंग में स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं केस स्टडी में कि स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके कंसेप्ट को पूछा जाता है क्या मतलब है इसका, इस लाइन का मतलब बताओ एंड इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आप अपने इन योर ओन वर्ड्स यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप अपने वर्ड्स में कुछ एग्जाम्पल इसमें दो. ओके, तो 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इस बार रिमूव कर दिया गया है. आई थिंक इट इज़ वेरी इजी फॉर यू ऑल. डायरेक्टिंग
मिस आपका बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, ओके इसको रिमूव कर दिया गया है. कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑब्वियसली आप प्लानिंग के बारे में पढ़े हो और कंट्रोलिंग है तो रिलेशनशिप अगर रिमूव भी कर देता है डजेंट मैटर, ऐसे ही पूछ देगा तब भी आप रिलेशनशिप बिंदास बता सकते हो कि हाँ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप है. ओके नाउ कम टू दिस वन, हियर इट इज गिवन पार्ट बी, जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं आपके. यूनिट 11 पे आते हैं, ठीक है. 9 एंड 10 यूनिट में आपका कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए उसमें कुछ डिडक्शन में कुछ ऐसा दिखाया नहीं है, इसलिए यूनिट 11 पे ही आते हैं. ये मत सोचना कि 9 एंड 10 आपका यहाँ पे गिवन नहीं है तो कोई नीड नहीं है देखने की, ऐसा कुछ नहीं है. यूनिट 9 एंड 10 आपका आएगा, बट जिसमें से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, डिडक्ट हुए हैं, सिर्फ वहाँ पे इन यहाँ पे सिर्फ उन यूनिट्स को लिया गया है. ओके, मार्केटिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिमूव है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जिसको हम बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बेसिक चीज़ है आज के डेट में, सबको एनजीओ का मीनिंग पता है. मे बी इस वजह से इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है. एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर कितना अवेयर है अपने चीज़ों को लेके, मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है उसके उससे रिलेटेड वो कितना अवेयर है. ओके तो ये सारी सिचुएशन जो है वो इसमें से रिमूव कर दी गई हैं. कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ही लिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके टोटली डिलीट कर दिए गए. ओके दिस इज अप टू यूनिट 12. मैंने 12th का भी आपको शो कर दिया है तो इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर क्लास 12th ऑल्सो. अब 12th के बच्चे भी आप देख सकते हो, टिक कर सकते हो अपने बुक में कि 12th के कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए, क्योंकि अभी इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको सारी चीज़ों को कवर करना है. भाई हमें सारी चीज़ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि भाई सिलेबस में तो जितना गिवन हम तो उतना ही पढ़ेंगे, और ये न्यू रिवाइज्ड सिलेबस है, इसको दोबारा बनाया गया है, उसमें से कुछ टॉपिक्स को डिलीट करके तो आप इसी के थ्रू जाओगे, आप अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं पढ़ सकते. इज इट क्लियर टू ऑल? ओके नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द क्लास 11th इकोनॉमिक्स, द रिवाइज्ड सिलेबस एंड द डिलीटेड टॉपिक्स ऑफ द क्लास 11th इकोनॉमिक्स एंड द डिलीटेड टॉपिक्स ऑफ द क्लास 12th इकोनॉमिक्स. ओके let us come to the next one. now you can see here it is given class 11th economics. आपका class 11th economics आप देख रहे हो स्क्रीन पे. ओके इसमें से कोई भी चैप्टर्स आपके डिडक्ट नहीं है, बट हाँ चैप्टर्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डिडक्ट कर दिए गए हैं, तो हम उस चीज को पढ़ते हैं. ओके बट अगर आप यहाँ से भी इस चीज को देख लेते हो कि टॉपिक्स कौन कौन से डिडक्ट हुए हैं, शॉर्ट में ये सारा चीज आपको बता दिया है कि यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन में बस आपको ये पढ़ना है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़नी होंगी. इज इट क्लियर कि मीनिंग, स्कोप एंड फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये यूनिट 1 में आपको पढ़ना है. कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आपको सोर्सेज ऑफ डाटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड विद कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके दिस वन, आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ टॉपिक्स इसमें से श्योर मैं बोल सकती हूँ रिमूव हुआ, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, प्लीज आप इस चीज को एक बार देख लेना. यूनिट 3 में स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके रिमूव कर दिए गए हैं, तो वो चीज़ हम लोग अभी पढ़ते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं. बट अगर हम यूनिट 3 में देखें तो यूनिट 1 और यूनिट 2 में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बट यूनिट 3 में टॉपिक्स हैं जो कि रिमूव कर दिए गए हैं स्टैटिस्टिकल टूल इंटरप्रिटेशन में. और वो जो टॉपिक्स रिमूव हैं वो इसमें से कौन कौन से रिमूव है मैं आपको बता दूं. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में सारे टॉपिक्स रिमूव नहीं है, कुछ टॉपिक्स रिमूव हैं जो कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आप देख सकते हो. इसमें से आपका सिर्फ ये गिवन है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव डिस्पर्जन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसमें से कुछ आपके रिमूव है. मैं नाम बता दूं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये सारे आपके इसमें से रिमूव है मेजर ऑफ डिस्पर्जन में. अगर हम कोरिलेशन की बात करें यूनिट 3 के कोरिलेशन टॉपिक की, तो इसमें से आपको मीनिंग प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम, मेजर ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन मेथड, टू वेरिएबल्स अनग्रुप डाटा, ये आपको पढ़ने हैं. बट इसमें से जो रिमूव है वो ये है, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन. आपका स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन आपका गिवन है. आप अगर चैप्टर ओपन करके देखोगे तो ये टॉपिक हटा दिया गया इसमें से.
इंडेक्स नंबर पे हम आते हैं, इंट्रोडक्शन टू द इंडेक्स नंबर। इसमें से भी आपको मिनिंग टाइप्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर्स पढ़ने हैं। बट जो टॉपिक आपके रिमूव हैं इस इंडेक्स इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स में, वो टॉपिक का नेम है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और जहाँ तक हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं हुई है। मतलब क्या कि वो टॉपिक इसमें हमारे सिलेबस में, रिवाइज सिलेबस में नहीं है, मीन्स नहीं आएगा। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द पार्ट बी। पार्ट बी में हम आते हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यूनिट फोर का इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हो मीनिंग ऑफ माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। वॉट इज एन इकोनॉमिक, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, वॉट हाउ एंड फॉर होम टू आवर प्रोड्यूस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आपका गिवन है। बट यूनिट फोर में जो टॉपिक्स डिलीट है, मैं आपको वो बता रही हूँ, वो ये टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको हम लोग पीपीसी बोलते हैं। ओके, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे एग्जाम के लिए, बट हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि इसकी थोड़ी सी गारंटी मैं आपको बस एज अ टीचर इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आप पीपीसी होता क्या है, आप बस उतना ही पढ़ लेना, क्योंकि आप टोटली सिलेबस पर डिपेंड हो। इज इट ओके? ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छी बात है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हो, बट अगर बाय मिस्टेक पूछ दिया कि पीपीसी क्या होता है, कॉमन सी चीज़ है, कोई नॉर्मल बच्चा भी इस चीज़ को जो 11th 12th में वो बता सकता है, तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हो। ओके, इग्नोर करो, बट टोटली इग्नोर मत करो ये सारे टॉपिक्स को जो कि डिलीट किए गए हैं। थोड़े बहुत आप पढ़ लेना, बट हाँ उसमें से कुछ आने वाला नहीं है, आप बोल सकते हो इस ईयर। बट हाँ, जो उसके मीनिंग क्या होते हैं, मीनिंग एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। जो भी टॉपिक्स डिलीट है उसके मीनिंग तो पढ़ ही लेना। ओके, कम टू दिस वन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड। इसमें आपका कोई भी चीज में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, एज इट इज ये सारी चीजें आपकी आने वाली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोच लो कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं जो कि इकोनॉमिक्स में 6-6, 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-6 और 8-2 मार्क्स। उसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आप बोल सकते हो, जो लेंदी टॉपिक्स होते हैं उनको हटा दिया गया है, तो भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है आपका, ये तो 11th 12th बीकॉम सब में, एमकॉम सब में ये टॉपिक आपका रहता ही है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इसलिए उन्होंने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिमूव ही नहीं किया है। ये आपके हमेशा फ्यूचर में कॉमर्स वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इज इट ओके? कम टू द नेक्स्ट वन, ये सारे आपके एज इट इज रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं, आपको सारी चीजें पढ़नी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कवर करेंगे। यूनिट सिक्स में आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें से आपके जो टॉपिक्स रिमूव है, मैं उसके नेम बता दे रही हूँ, जो टॉपिक्स इसमें से रिमूव किए गए हैं उसके नेम्स हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। कहीं आपको उसमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम टॉपिक दिख रहा है? नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम टॉपिक उसकी मीनिंग, उसकी लिमिट, उसकी जो कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ अ मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको हम MR बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, उस टर्म इक्विलिब्रियम को, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को, बिहेवियर को उसने रखा है बट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को रिमूव कर दिया है। नाउ कम टू द यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 इट इज गिवन हियर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन द परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। इसमें से भी जो टॉपिक्स आपके रिमूव हैं, आप बोल सकते हो, मैं उसका नेम बता सकती हूँ आपको, ये सारे तो आने ही हैं आपके यहाँ जो गिवन है। इसके बाद जो टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं वो अदर मार्केट फॉर्म्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देयर मीनिंग एंड फीचर्स, ऑल दिस टॉपिक्स हैज बीन रिमूव्ड। फॉर्म्स मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देयर मीनिंग एंड फीचर्स, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इज इट क्लियर कि ये तो अंडरस्टूड है ये चीज़ कि वो टॉपिक्स फिर आने वाले नहीं है। ओके, तो ये था क्लास 11th का, क्लास 11th का मैंने आपको ये शो कराया रिवाइज सिलेबस। अब 11th में जो टॉपिक्स के नेम है जो टोटली हटा दिए गए, मैं उस चीज़ को दिखाती हूँ, क्योंकि अभी तो थ्योरेटिकली इस चीज़ को हम लोग समझ रहे थे, बट देख लेते टॉपिक्स हैं कौन कौन, एक बार उस पर भी हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। ओके, एंड आफ्टर 11th टॉपिक्स डिलीटेड जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 12th का भी देखेंगे कौन से टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द टॉपिक्स हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द 11th इकोनॉमिक्स। हम उस मेन टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। नाउ इट इज गिवन द
क्लास 11th इकोनॉमिक्स पार्ट ए स्टडीज फॉर इकोनॉमिक्स, फिर से वही चीज़ है। यूनिट 3 में जो टॉपिक्स रिलेटेड हैं आपके हैं वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें कि सारी चीज़ें आपके आती हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोरिलेशन में आपका कार्ल पियर्सन से पूछेगा, बट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन आपका नहीं पूछेगा। और इंडेक्स नंबर्स में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में जो कि मैंने आपको बताया था वो चीज़ नहीं पूछे जाएंगे। ओके, ये टॉपिक्स सारे डिलीटेड जो आपको स्क्रीन पे शो करा रही हूँ मैं, आप देख सकते हो हेडिंग यहाँ लिखा टॉपिक्स डिलीटेड। ओके, उसके बाद पार्ट बी में आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपका कंसेप्ट ऑफ पीपीसी और पीपीएफ भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये भी रिमूव कर दिया गया। यूनिट 5 आपका तो एज इट इज पूरा ही आना है। फिर यूनिट 6 में जो आपका गिवन है वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मीनिंग एंड इट्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका इसमें गिवन रहेगा। ओके, डिलीट कर दिया जाएगा इस टॉपिक को, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मीनिंग एंड इट्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट 6 में से ये टॉपिक आपको टोटली डिलीट कर दिए जाएंगे। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट यूनिट 7 की अगर हम बात करें तो इसमें अंदर अदर मार्केट फॉर्म्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देयर मीनिंग एंड फीचर्स रिमूव कर दिए गए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द क्लास 12th रिलेटेड टॉपिक्स फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, 11th में माइक्रो चलता है, 12th में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स चलता है। यूनिट 1 एज इट इज आपका रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट यूनिट 2 में जो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है उसमें जो टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं वो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये आपके डिलीट रहेंगे। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो यूनिट 5 है आपका, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मीनिंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बट इस बार रिमूव कर दिया गया इस टॉपिक को। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, ये भी आपके रिमूव कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे यूनिट 2 के बाद डायरेक्ट यूनिट 5 है, बट यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आपका सारा चीज आने वाला है। ओके, नेक्स्ट वन पार्ट बी में टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं, उसमें यूनिट 7 है, यूनिट 6 का यहाँ नेम नहीं है, नेम नहीं है इट मींस कि उसके सारे टॉपिक्स आने वाले हैं जो भी चैप्टर्स में गिवन है। यूनिट 7 में ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, आपका ये सारा टॉपिक्स जो है वो डिलीट कर दिया गया है यूनिट 7 में से। ओके, तो देयर इज नो एनी, आप बोल सकते हो कि जो भी मैं आपको यहाँ पे शो करा रही हूँ उसमें कोई भी चीज जो आप देख रहे हो वो सारी टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट कर दिए गए हैं चैप्टर में से, तो आपको कोई जरूरत नहीं है सारी चीजें पढ़ने की। इसके अलावा जो टॉपिक्स आपके गिवन है चैप्टर में आपको वो पढ़ना है। जितने आप यहाँ पे नेम देख रहे हो टॉपिक्स डिलीटेड में, ये टॉपिक्स के कोई भी क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, बट आपको थोड़ी बहुत मीनिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि होता क्या है। इज इट ओके? दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द बिजनेस स्टडीज क्लास 11th 12th एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11th 12th। नाउ कम टू द अकाउंटेंसी of class 11 and 12th both. Topics have been deleted from the accountancy subject. Now come to the next one. Now it is given the class 11th accountancy. इसमें जो topics deleted हैं वो part A में से, unit 2 का accounting process में से जो topics deleted हैं वो है bank reconciliation statement. ये बहुत ही important था but इस साल remove कर दिया गया है. It is very good for you all. अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रेन्यूअल ऑफ बिल, ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूज करता था टॉपिक, बट इस बार भी आप लोग के लिए ईजी कर दिया, इसको रिमूव कर दिया गया। पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर हम देखेंगे तो यूनिट 3 की हम बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये डिलीट कर दिया गया है। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लास 11th के आपके रिमूव कर दिए गए हैं। एंड इसमें से भी कुछ हैं यूनिट्स और टॉपिक्स जो आप देख सकते हो यहाँ पे गिवन है। यूनिट 4 कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग, इसमें से सारे टॉपिक्स आपके आप बोल सकते हो कि डिलीट कर दिए गए, ये भी नहीं आने वाले हैं। ओके, तो आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, अकाउंटेंसी का जो भी ये गिवन है आप इस चीज़ को देख लेना। ये डिलीटेड टॉपिक्स के नेम दिए हैं जो कि नहीं आने वाले हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हियर इट इज गिवन द क्लास 12th। क्लास 12th में कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स है वो आपका गिवन है यहाँ पे। यूनिट पार्ट ए में अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज में, यूनिट 2 में से आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें से आपकी ये टॉपिक्स जो आपने गिवन है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये रिमूव कर दिए गए, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ओके, देन यूनिट 3 में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज अगर हम देखें तो
तो उसमें अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मेथड्स, लमसम ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये रिमूव कर दिए गए. ओके, तो ये आपके सिंपली जो थे 11th और 12th कुछ डिडक्टेड टॉपिक्स थे अकाउंटेंसी में से रिमूव किए गए हैं. बट ओवरऑल चैप्टर आप प्लीज अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी में से पूछे जाएंगे, कोई भी घुमा फिरा के आंसर पूछे जा सकते हैं. सो नो नीड टू वरी, आप सारी चीज़ को अच्छे से कवर कर लोगे. जो कुछ ऐसे टफ टॉपिक्स थे, डिफिकल्ट टॉपिक्स थे, उसको ऑलरेडी इन लोगों ने रिमूव कर दिया है. तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू ऑल. सो रिवाइज्ड ऑल दीज वीडियोस अगेन, आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हो स्टार्टिंग से कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं. आप उस चीज़ को बुक में टिक कर लो तो मे बी वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए. ओके, सो यहाँ पे जो सारे टॉपिक्स आपको गिवन है क्लास 11 के अकाउंटेंसी में, सिर्फ ये टॉपिक्स आपके रिलेटेड हैं. बाकी एज इट इज़ जो भी यूनिट 1 में गिवन है आपका, वो सारे आने वाले हैं. यूनिट 2 के भी सारे आएंगे, बट जो ये टॉपिक्स आपके यहाँ गिवन है वो नहीं आएंगे. यूनिट 3 में भी सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें आएंगी, बट जो ये टॉपिक्स आपके यहाँ पे गिवन है ये नहीं पूछे जाएंगे. ओके, जैसे बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है. ये सारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो हमेशा हम लोग अपने अकाउंटेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे, इस चीज़ को वो रिमूव कर दिया गया है. तो सिर्फ डिलीटेड टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे यहाँ देखने को मिल रहा है. तो ये टॉपिक्स आप नहीं पढ़ोगे, बाकी सारे जितने टॉपिक्स आपके चैप्टर में गिवन है आप वो सारे टॉपिक्स पढ़ोगे, वो 100% श्योर है कि वो सारे टॉपिक्स आएंगे ही. बट यहाँ पे जो आप टॉपिक्स देख रहे हो ये टॉपिक्स डिलीटेड टॉपिक्स हैं. ओके, तो आपको इस चीज़ को नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए सही रहेगा. बट जो इसके अदर टॉपिक हैं जो चैप्टर्स में गिवन है, आप वो 100% पढ़ना, क्योंकि उसमें से सारे क्वेश्चन फिर आने वाले हैं. ओके, तो दिस इज़ फॉर टुडे. सो थैंक यू क्लास.